नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का किया औचक निरीक्षण। कहा, श्रद्धालुओं को होगा बदलते उत्तर प्रदेश का एहसास। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत शासन की है पहली प्राथमिकता। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पर्याप्त रैन बसेरों का करे इंतजाम। ठंड से किसी भी श्रद्धालु को ना हो परेशानी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने कमिश्नरी सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों व अलाव के हो पर्याप्त इंतजाम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी किया जाए जागरूक। तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में एसडीएम चौरीचौरा शिवम सिंह व एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने किया पैदल गश्त। सिंह भोजनालय में लोगों को खुले में शराब पिलाने पर प्रतिष्ठान को किया सील। शराब की दुकानों का किया चेक लाइसेंस। गुरुवार से आयुक्त न्यायालय में सीसीटीवी की निगरानी में शुरू होगा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन। जिला प्रशासन के द्वारा कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक किया गया है बैरिकेडिंग। अपर आयुक्त प्रशासन ने दी जानकारी। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मेले की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांस बल्ली से किया जा रहा है बैरिकेटिंग। गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, हर वर्ग और हर जाति के लोग मंदिर में आकर करते हैं गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन और गुरु गोरखनाथ उनकी पूर्ण करते हैं मनोकामना। नगर निगम द्वारा नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए महानगर के 140 चौराहों पर जलाया जा रहा है अलाव। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। जरूरतमंदों को ठहरने के लिए की गई है व्यापक रैन बसेरों की व्यवस्था। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने दी जानकारी। नए साल के पांचवें दिन भी ठंड का सितम है जारी। बुधवार को अधिकतम टेम्परेचर 13.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम टेम्परेचर रहा 7 डिग्री सेल्सियस। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि पछुआ हवाओं की वजह से बढ़ी गलन। आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और ठिठुरन की बनी रहेगी स्थिति। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरु गोरखनाथ से प्रदेश के सुख समृद्धि व लोक कल्याण की कामना की। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से कोरोना महामारी को संसार से दूर करने की मन्नत मांगी। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवार उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस
चौहान ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि शासन प्रशासन का प्रयास है कि खिचड़ी के मेले में जो लोग यहां पर आए हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिले, श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्था ऐसी होगी कि यहाँ आने वाले लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एहसास होगा। श्रद्धालु आसानी से मंदिर में आकर दर्शन कर सकेंगे। स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए डॉक्टरों की तैनाती यहाँ की जाएगी। इस अवसर पर डीजीपी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एटीएस और एसटीएफ की टीम भी यहां पर लगाई जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिससे आम लोगों को पता हो कि उन्हें अपनी गाड़ियां कहां खड़ी करनी है। गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होगी। पार्किंग में भी सीसी कैमरा लगवाए जाएंगे। पिछले साल एक युवक द्वारा गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ चौकस हैं। उस वक्त भी उसे जल्दी काबू कर लिया गया था और अब भी और भी सतर्क हैं। साथ ही नेपाल के बॉर्डर इलाकों में भी सतर्कता बरती जा रही है। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर नेहा बंधु, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने कहा। गान सलामी दे रहे हैं क्या सुल्तान तो पंकज तुम्हारा क्या हो गया ये आदेश हुआ है ना कि दूर से कवर कर नजदीक नहीं जाएंगे पीछे पीछे बाद में। अरे भैया भाई चलिए अब आप चले अब आगे बढ़िए आप चलिए आगे चले आगे चले प्लीज नजदीक नहीं रास्ता है महिला द्वार बात करूंगा जो एक बार इधर से महिलाएं आए यहाँ जाएंगे और इधर से पुरुष आ जाए वहाँ जा करके फिर पारी पारी करेंगे वहाँ से गेट से ही करेंगे अलग से अलग से अलग कर देंगे पुरुष महिला और दो लाइनें बनेंगे गाइडेड लाइने से बाहर तक ले जाएंगे काफी परिसर से बात है अभी इवेंट से बाहर अभी वीआईपी गेट अब यहाँ महिला है इधर महिला है ये वीआईपी गेट कंट्रोल करने और बाकी वो जो है वो महिला उधर से जाएंगी इधर कंट्रोल एग्जिट और मेडिकल कैंप से उधर लगते हैं इधर मेडिकल कैंप पीछे वाले पीछे चलने दिए भैया थोड़ा साइड से ले लीजिए साइड से ले लीजिए
जिससे हमारी गाड़ियां आई थी, दैट वाज गेट नंबर वन। मेले के समय पे सर जब होता है उस समय पे उस गेट की जो एंट्री है ओनली फॉर दी झूला एंड बाजार के लिए एंट्री होगी। पब्लिक दर्शन के लिए जो एंट्री होगी सर वो इस गेट से होगी और इस गेट से होगी। साइड है हम अरे कोई नहीं हो गया देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं और डीजीपी साहब आए हैं। यहाँ पे खिचड़ी का मेला होता है एक बहुत बड़ा, आसपास के इलाके से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुझे बताया गया कि इसमें जो 2.5 से 5 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं एक दिन, जो 13, 14, 15 जो मेन डेज होते हैं उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अदरवाइज भी 40-50 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं। अभी जब 31 और 1 तारीख को जो ये शुरुआत हो जाता है, नए साल से शुरुआत हो जाता है और ये चलता है जा करके शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी है तब तक चलता है। तो आपको हर सैटरडे संडे को यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मंगलवार के दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और 13, 14, 15 को तो बड़ी संख्या में काफ़ी कम मैंने वो कहते हैं करीब 2.5 लाख में सोचता हूँ इस साल। और जितनी ज़्यादा सुविधा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पब्लिक को उतनी ज़्यादा लोग पहुँचेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ देख रहे हैं इतने सारे झूले वगैरह की व्यवस्था है, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें वगैरह की व्यवस्था है कि लोग आते हैं और आकर के जो चाहे गांव से आते हैं और केवल गोरखपुर के नहीं आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे लोगों को कतार में रह करके उनको एक सुरक्षित तरीके से अपना उनको जो बाबा गोरखनाथ जी का उनको जो दर्शन करने के लिए दर्शन करने की भी अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनको जब जाएं चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल भी अगर कोई दिक्कत हो उसका भी सारी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हमारा जिला प्रशासन करता है, उसको हम लोग आए यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, कि जिससे कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एक अनुभव होना चाहिए। आप देखिए हमारे डीजीपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप निश्चित मान के चलिए कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उसको पूरे अच्छे से अभी हम इसके बाद जाकर के हम लोग एक रिव्यू भी करेंगे, डीजीपी साहब आपको बताएंगे, रिव्यू करेंगे और उसमें हर एस्पेक्ट को उसको देखेंगे।
चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था है, या हमारी जो पब्लिक के नियंत्रण की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, या उसकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, है ना, ये लोगों की जो कन्वीनियंस की जो व्यवस्था हो, तो हर तरह की हर बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लोग कैसे जो है लोग आएंगे, बस स्टेशन से आते हैं वहाँ से कैसे यहाँ पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन है वहाँ से कैसे लोग पहुँचेंगे, तो हर एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। और पूरा का पूरा शहर भी, पूरा शहर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो पूरे शहर के लिए भी आपको मालूम है कि इतने सारे काम भी चल रहे हैं, और उसमें हर तरह की पूरी पूरी व्यवस्था होगी, इससे हम लोग समीक्षा करके निकलेंगे। भगवान श्री गुरु गोरखनाथ जी का ये आस्था का केंद्र है, यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, और यहाँ खिचड़ी का प्रसाद जो है वो भगवान को पेश करते हैं। लॉकडाउन के बाद में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहां पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर यहां 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है। और उस 3 चक्रीय व्यवस्था के अनुरूप पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, ATS है, STF है, इनका भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, ताकि एक सुरक्षित त्यौहार जो है हम आम आदमी मना सके पूरे श्रद्धा के साथ। ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक अलग से प्लान बनाया गया है, जहां क्लियर कट ट्रैफिक के पार्किंग जोन बनाए गए हैं। अभी जो व्यवस्था है ट्रैफिक की, उसके इतर अलग बनाई जाएगी, क्योंकि अभी भीड़ बढ़ना शुरू हुई है, और जब हमारे मेन त्यौहार पड़ेगा 13, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पर, तो उस समय अलग एक व्यवस्था की जाएगी, और वो व्यवस्था का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, बातमी पत्रों के माध्यम से, अखबार से, और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गोरखपुर पुलिस के SSP गौरव ग्रोवर द्वारा डाला जाएगा, ताकि आम जनमानस को पहले से ही पता रहे कि हमें अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। गाड़ियों को सुरक्षित माहौल देने की भी जिम्मेदारी पुलिस निभाएगी, ताकि कोई गाड़ी चोरी न हो सके। एंटी थेफ्ट मेजर्स भी यहाँ पूरे लागू किए जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि गोरखनाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है। मकर संक्रांति पर लगने वाले 1 माह के इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों व अलाव के इंतजाम सुनिश्चित करे, ताकि ठंड के मौसम में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। इस दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया जाए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र बुधवार को पुलिस महानिदेशक DS चौहान के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर आए थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी व SSP ने मेले को लेकर की गई तैयारियों व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए युवाओं की टोलियों व स्वयंसेवियों को भी जोड़कर उनकी मदद ली जाए। 1 माह के इस मेले को रोजगार का भी बड़ा अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर इसकी अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि खिचड़ी मेला व गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय उत्पाद, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए DGP ने कहा कि फायर टेंडर की जाँच करने के साथ अभी से मार्क ड्रिल भी किया जाए, कोशिश हो कि ट्रैक्टर ट्राली से यात्री परिवहन न हो, इसके साथ ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगवाने का अभियान अभी से प्रारंभ कर दिया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, ADG गोरखपुर जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, IG रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, CDO संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
संतरी खड़ा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। एसडीएम चौरी चौरा शिवम सिंह, एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने संयुक्त रूप से तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में पैदल गश्त किया। इस दौरान मंदिर परिसर में खुले में शराब का सेवन करने को मना किया गया तथा मंदिर क्षेत्र में स्थित सिंह भोजनालय में कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से खुले में शराब का सेवन करते हुए पाए जाने पर एसडीएम चौरी चौरा द्वारा प्रतिष्ठान को सील किया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित सरकारी अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों की चेकिंग की गई, जिसमें एक दुकान का प्रमाण पत्र पता संदिग्ध प्रतीत होने पर जांच किया जा रहा है। यदि लाइसेंस में गड़बड़ी पाई गई तो दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान तीन व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर खुले में शराब पीते हुए पाए जाने पर तीनों व्यक्तियों का चालान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ मानुष पारिक ने कहा, आज दिनांक 4 जनवरी को तरकुला देवी मंदिर क्षेत्र के अंदर गश्त की गई, जिसके अंदर एसडीएम चौरी चौरा और थाना चौरी चौरा की टीम रही। इसके अंदर ये पाया गया कि कुछ होटल और कुछ दुकानों पे जो शराब का अनाधिकृत रूप से सेवन कराया जा रहा था उनको सील किया गया है, और जो शराब की जो दुकानें हैं उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, और यदि संदिग्ध पाए जाते हैं तो उसके ऊपर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का किया औचक निरीक्षण। कहा, श्रद्धालुओं को होगा बदलते उत्तर प्रदेश का एहसास। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सहूलियत शासन की है पहली प्राथमिकता। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पर्याप्त रैन बसेरों का करे इंतजाम। ठंड से किसी भी श्रद्धालु को ना हो परेशानी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने कमिश्नरी सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों व अलाव के हो पर्याप्त इंतजाम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी किया जाए जागरूक। तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में एसडीएम चौरी चौरा शिवम सिंह व एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने किया पैदल गश्त। सिंह भोजनालय में लोगों को खुले में शराब पिलाने पर प्रतिष्ठान को किया सील। शराब की दुकानों का किया चेक लाइसेंस। गुरुवार से आयुक्त न्यायालय में सीसीटीवी की निगरानी में शुरू होगा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन। जिला प्रशासन के द्वारा कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक किया गया है बैरिकेटिंग। अपर आयुक्त प्रशासन ने दी जानकारी। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मेले की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांस बल्ली से किया जा रहा है बैरिकेटिंग। गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, हर वर्ग और हर जाति के लोग मंदिर में आकर करते हैं गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन, और गुरु गोरखनाथ उनकी पूर्ण करते हैं मनोकामना।
नगर निगम द्वारा नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए महानगर के 140 चौराहों पर जलाया जा रहा है अलाव। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। जरूरतमंदों को ठहरने के लिए की गई है व्यापक रैन बसेरों की व्यवस्था। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने दी जानकारी। नए साल के पांचवें दिन भी ठंड का सितम है जारी। बुधवार को अधिकतम टेम्परेचर 13.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम टेम्परेचर रहा 7 डिग्री सेल्सियस। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि पछुआ हवाओं की वजह से बढ़ी गलन, आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और ठिठुरन की बनी रहेगी स्थिति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन के द्वारा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बुधवार को होने वाले नामांकन की तैयारियां पूरी हुई, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नामांकन के लिए बैरिकेडिंग किया गया है। इसके अलावा पूरा नामांकन CCTV कैमरे की निगरानी में सम्पन्न होगा, जिसके लिए कमिश्नरी गेट से कमिश्नरी कोर्ट तक CCTV कैमरा लगाया गया है। नामांकन आयुक्त न्यायालय में होगा, जो कि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा, जो कि 5 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी तक पर्चों की वापसी होगी। उन्होंने कहा 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और 2 फरवरी को मतगणना होगी। सभी प्रत्याशी बैरिकेटिंग वाले रास्ते से ही आकर आयुक्त न्यायालय में नामांकन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, उनसे कहा कि ऐसा है आपकी सूचना जो आई है जिसमें अधूरी है, मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ी है। हेलो, हाँ नमस्कार, गौरव बोल रहा हूँ। कम हाँ कह रहे हैं ऐसा हमसे बोल रहा है हमारा ही। हाँ हाँ सर, तो उसमें इसमें कुछ संशोधन है। चुनाव के लिए गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक विधान परिषद क्षेत्र में जो है, यहाँ हमारे आयुक्त न्यायालय में कल दिनांक 5 जनवरी को 11 बजे से 3 बजे से के बजे मध्य जो है नामांकन होगा, और ये 12 तारीख तक 12 जनवरी तक ये नामांकन रहेगा, और 13 तारीख को जो है इसकी जांच होगी, और 16 तारीख को नाम वापसी तक की तिथि है। सर वोट पड़ेगा, ये जो है मतदान की तिथि 30 जनवरी है और ये सुबह 8 बजे से 4 बजे के मध्य होगा, और इसकी मतगणना 2 तारीख को होगी। यहाँ पे सर क्या तैयारियाँ की गई हैं लोगों के आने के, किस तरह से आएंगे? हमारे जो है एक गेट से जो है बैरिकेडिंग की गई हुई है, जितने भी हमारे प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक जो है इसी एक गेट से आएंगे, जिसमें बैरिकेडिंग की हुई है, और सीधे हमारी कोर्ट की तरफ से आएंगे। यहाँ पर जो है 8 जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसकी देख रेख में पूरा का पूरा नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मकर संक्रांति से शुरू होकर एक महीने तक खिचड़ी मेला चलता है, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ का मेला माना जाता है। आपको बता दें कि खिचड़ी मेले को देखते हुए तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए बांस बल्ली से बैरिकेडिंग किया जा रहा है, तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। और आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी मेले में तरह तरह के झूले लगे हुए हैं, तथा उम्मीद है कि इस बार खिचड़ी मेले में ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेला परंपरा से चली आ रही है, जिसकी तैयारी की जा रही है। इस मेले में हर वर्ग और हर जाति के लोग मंदिर में आकर दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मेले में उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर नेपाल तक से लोग आते हैं और भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। खिचड़ी के दिन भोर से ही श्रद्धालु मंदिर पहुँचकर चावल पुष्प
फल अर्पित करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। इस मेले में करीब लाखों से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 15 जनवरी को खिचड़ी मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में ज्वाला देवी का मंदिर है, गोरक्षनाथ भगवान वहीं पधारे थे। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला माई ने गोरक्षनाथ से कहा था कि हमारे यहाँ एक दिन ठहर कर आरती और भोजन स्वीकार करें। भगवान गोरक्षनाथ इसके लिए राज़ी भी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक योगी हैं, इधर उधर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप आग्रह कर रही हैं तो आप पानी गर्म करिए, हम भिक्षासन करेंगे और भिक्षा मांगकर अनाज लेकर आएंगे और तब भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद भगवान गोरक्षनाथ अपने सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हुए यहां पधारे। यह स्थान उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने अखंड ज्योति जलाई और खप्पड़ डालकर रहने लगे। आसपास के लोगों को यह पता चला कि यहां कोई योगी आया है जो भिक्षा मांगने की दृष्टि से यहां पर पधारा है। इसके बाद लोगों ने मुट्ठी भर चावल डालने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भिक्षा लेने के लिए जिस खप्पर का इस्तेमाल किया था वह ना कभी पूर्ण हुआ और ना ही कभी खाली हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, बसंतपुर से। क्या करना है, पूजा करना है? हाँ, मंदिर में पूजा करना है हमें। क्या था, खिचड़ी का खिचड़ी चढ़ाएंगे? हाँ, खिचड़ी चढ़ाएंगे हम लोग भी। क्या था इनको, खिचड़ी क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो मांगे वो पूरा होता है। मंदिर अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ व्यवस्था अच्छा है। हाँ, यही सब। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर यह विशाल मेला परंपरा से चली आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ की तैयारी की जा रही है। एक बार महायोगी गोरखनाथ जी
हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में माई जी के दर्शन, ज्वाला माई के दर्शन के लिए वहाँ पधारे। माई जी साक्षात उपस्थित होकर उनकी अगवानी किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। उनका ठीक है, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, आप पानी गर्म करिए, हम चावल दाल मांग करके ले आएंगे, हम योगी हैं, हर जगह हम भोजन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार वो अपने सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हुए गोरखपुर पहुँचे। तो गोरखपुर उस समय निर्जन स्थान था, जंगल था, राप्ती नदी ही बगल से ही बहती रही। यह स्थान उनको प्रिय लगा, यहाँ कुछ समय बैठ कर तपस्या किए और इनका खप्पर बगल में रख दिए। आसपास के लोगों के मालूम हुआ कि कोई योगी आए हैं जो चावल दाल मांगने की दृष्टि से पधारे हैं। मुट्ठी मुट्ठी भर उनके खप्पर में चावल डालते गए, कोई खप्पर न कभी पूर्ण हुआ न कभी खाली हुआ। उस खप्पर से अब अपने हाथ द्वारा वो खिचड़ी बनाकर भी लोगों को खिला देते थे। ये चमत्कार धीरे धीरे बढ़ता गया कि आज गोरखपुर में एक विशाल मेला, लाखों लोग, इस 2 महीने तक मेला चलता है। हर वर्ग के लोग, हर जाति लोग यहाँ पधारते हैं, मेले में दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कब मनाया जाएगा खिचड़ी? इस वर्ष 15 तारीख को, तिथि के अनुसार 15 तारीख को है, लेकिन परंपरा से 14-15 दोनों दिन मनाया जाएगा। मुख्य रूप से 15 को ही तिथि निश्चित है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितनी भीड़ होती है? अब देखिए, ये तो लाखों लोग आते हैं, इधर बिहार है आपका, नेपाल है, इधर अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से लोग नहीं आते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है? हाँ, ये फूल चढ़ेगा, आपका प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, मुख्य रूप से खिचड़ी ही, मुट्ठी भर चावल दाल ही चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ पत्रम पुष्पम फलम सब चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की? उनके लिए जो है देखिए, रहने की व्यवस्था है, अतिथिशाला बना हुआ है, यात्री निवास बना हुआ है, धर्मशाला बना हुआ है, सब यहाँ बने हुए हैं रहने के लिए। उनके पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ बनी हुई हैं। और सब लोग अपना रात निवास भी करते हैं, दुकानदार भी जो हमारे आए हैं वो भी निवास करते हैं, वो भी करते हैं। तो हर प्रकार की सुविधा शासन प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से, हर विभाग के लोग लगे हुए हैं, सबके तरफ से सहयोग मिलता रहता है। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्वप्रथम अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के 140 प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, मुख्य चौराहे, मुख्य मार्केट, इन जगहों पर अलाव जलाया जा रहा है, ताकि जो लोग रात में किसी कारणवश वहां पर रुक गए हैं उनका ठंड से बचाव हो सके। नगर निगम के मुख्य अभियंता सज्जय चौहान ने बताया कि नगर निगम द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 13 अस्थायी रैन बसेरा और 1 अस्थायी रैन बसेरा रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं। सभी रैन बसेरों में रहने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, शौचालय, अलाव आदि की व्यवस्था है और यह पूर्णतः निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीम भी शाम को निकलती है और वह दिखती है कि कोई अगर खुले में सो रहा है तो सम्मानपूर्वक रैन बसेरा में ले जाते हैं और उनके इस सोने की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा ठंड से बचाव के लिए 5500 कंबल वितरण किए गए हैं, ताकि लोगों को ठंड से बचाव हो सके। नगर निगम द्वारा मुफ्त कंबल वितरण, रैन बसेरा, अलाव की व्यवस्था ठंड से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा नागरिकों के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि यदि आप किसी को रात में खुले में सोता हुआ देखते हैं, उनको नज़दीकी रैन बसेरा का पता बताएं, नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने कहा। विनय सिंह, ठंड काफी बड़ी समस्याएं हो रही है, शहर में अलाव की कमी है और जो अलाव जलाए गए हैं वो कच्ची लकड़ियों का अलाव जलाए गए हैं, जो सही से काम हो नहीं पा रहा है। मुझे प्रताप सिंह, यहाँ जो है रैन बसेरे में
15 लोगों का कमरा जगह है जिसमें 5 महिला 10 पुरुष रजाई गद्दा तकिया प्लस नहाने के लिए गीजर महिला में भी और पुरुष में भी और उसके बाद बाहर आग ताकने के लिए अलाव। ये व्यवस्था किसके द्वारा की जाए? नगर निगम द्वारा। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं, उसमें सर्वप्रथम अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर के 140 प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं जिसमें मुख्यतः बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रैन बसेरे, मुख्य चौराहे, मुख्य मार्केट, इन स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि जो लोग रात में किसी कारणवश वहाँ रुक गए हैं उनको ठंड से उनका बचाव रहे। दूसरी व्यवस्था नगर निगम द्वारा रैन बसेरों की गई है जिसमें 13 स्थायी रैन बसेरे और 1 अस्थायी रैन बसेरा रेलवे स्टेशन के सामने बनाया गया है। उन सभी रैन बसेरों में बिस्तर, शुद्ध पेयजल, शौचालय, अलाव आदि की व्यवस्था है और ये पूर्णतः निःशुल्क हैं। हम लोग की टीम भी रात में निकलती है, वो देखती है कि कोई अगर खुले में सो रहा है तो हम उनको सम्मान अपने रैन बसेरे में ले जाते हैं और उनके सोने की व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा नगर निगम द्वारा 5500 कंबल का वितरण भी किया गया है, 5500 कंबल क्रय करके वितरण किया गया ताकि ठंड से बचाव हो सके। तो नगर निगम द्वारा ये मुख्यतः कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था और एक रैन बसेरे की व्यवस्था ये ठंड से बचाव के लिए की गई है। और मैं जनता से अपील भी करूँगा कि यदि कहीं आप किसी को रात में खुले में सोता हुआ देखने तो कृपया करके उनको नज़दीकी रैन बसेरे का पता बताएं अथवा नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1533 पर कॉल करके बताया जाए तो हम लोग व्यवस्था करेंगे कि कोई खुले में न सोए। नए साल के 5वें दिन भी ठंड का सितम जारी रहा। आपको बता दें कि बुधवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 13.6 और मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, वहीं पछुआ हवाओं की वजह से बड़ी गलन से पूरे दिन लोग ठिठुरते हुए नजर आए, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि सर्दी का यह सितम अभी पूरे हफ्ते ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और ठिठुरन की स्थिति बनी रहेगी, इसके साथ साथ कोहरा रहेगा और ठंडी हवाएं चलेंगी। अभी फिलहाल मौसम इसी प्रकार बना रहेगा, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि बिना आवश्यक घरों से बाहर न निकलें, जब आवश्यक हो गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलें तथा वाहन चलाते समय हेडलाइट को जलाकर चलें ताकि कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। इधर 3 दिनों में काफ़ी ठंड बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? 3 दिनों में तो इतनी ठंड बढ़ गई है कि हम लोग अपने ड्यूटी पे आने में भी असमर्थ हो आ रहे हैं, हाथ में एकदम गलत टाइप हो रहा है, गांव से निकलने में आगे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, गांव में इतनी ठंड है और शहर में भी आने में वही हाल है। और मुझे लग रहा है कि अभी और ठंड बढ़े, लेकिन इन 3-4 दिनों में तो ठंड बहुत बढ़ गई। समस्याएँ बहुत प्रकार के हैं ठंड की। हाँ, किस तरह से नया साल ठंड बढ़ गई है जाते हैं तो मौसम टोपी लगा के करना पड़ता है, तो सूटर साल लगा टोपी लगा निकलना
काफी समस्याएं आपको हो रही है? ठंड के बाद पानी ले आता हूँ। इधर तीन दिनों से काफी ठंड बढ़ गई है, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या इसमें बच्चों बुजुर्गों के लिए तो विशेष तौर पे है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ठंड से वजह से, बुजुर्ग घर में पैक हो चुके हैं, बुजुर्ग क्या है जो नौजवान भी घर में पैक हो गए, ऑफिस निकलने में दिक्कत, तमाम दिक्कत है, टाइम से ऑफिस ना पहुँच पाना, निकलने में कलम ठंडक से। देखिए जो ये शीतलहर की जो सूचना हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी तकरीबन 7 तारीख तक ये शीतलहर की यही स्थिति बनी रहेगी और डेंस फॉग रहेगा और ठंडी हवाएं भी चलेंगी, तो इसलिए अभी लिहाजा जो अगले 3-4 दिनों तक है वो मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। और शीतलहर के दृष्टिगत तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि यथासंभव यदि आवश्यक न हो तो घरों से बाहर ना निकलें, यदि घरों से बाहर निकलें तो पूरे मतलब कपड़ों को ढक कर मतलब कपड़े का अच्छे से पहन करके निकलें और गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन रखें ताकि कहीं से कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहे। तो इस समय शीतलहर की सिचुएशन बनी रहेगी अगले 3-4 दिनों तक। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, प्रदेश के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का किया औचक निरीक्षण, कहा श्रद्धालुओं को होगा बदलते उत्तर प्रदेश का एहसास, खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सहूलियत शासन की है पहली प्राथमिकता, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पर्याप्त रैन बसेरों का करे इंतजाम, ठंड से किसी भी श्रद्धालु को ना हो परेशानी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने कमिश्नरी सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरों व अलाव के हो पर्याप्त इंतजाम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए भी किया जाए जागरूक। तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में एसडीएम चौरीचौरा शिवम सिंह व एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने किया पैदल गश्त, सिंह भोजनालय में लोगों को खुले में शराब पिलाने पर प्रतिष्ठान को किया सील, शराब की दुकानों का किया चेक लाइसेंस। गुरुवार से आयुक्त न्यायालय में सीसीटीवी की निगरानी में शुरू होगा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन, जिला प्रशासन के द्वारा कमिश्नरी गेट से आयुक्त न्यायालय तक किया गया है बैरिकेटिंग, अपर आयुक्त प्रशासन ने दी जानकारी। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मेले की तैयारियां जोरों पर, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांस बल्ली से किया जा रहा है बैरिकेटिंग, गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा हर वर्ग और हर जाति के लोग मंदिर में आकर करते हैं गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन और गुरु गोरखनाथ उनकी पूर्ण करते हैं मनोकामना। नगर निगम द्वारा नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए महानगर के 140 चौराहों पर जलाया जा रहा है अलाव, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग, जरूरतमंदों को ठहरने के लिए की गई है व्यापक रैन बसेरों की व्यवस्था, नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने दी जानकारी। नए साल के 5वें दिन भी ठंड का सितम है जारी, बुधवार को अधिकतम टेम्परेचर 13.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम टेम्परेचर रहा 7 डिग्री सेल्सियस। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि पछुआ हवाओं की वजह से बढ़ी गलन, आगामी 7 जनवरी तक शीतलहर और ठिठुरन की बनी रहेगी स्थिति। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।